Hello everyone, my name is Purnima Sharma. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. So, आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है. सो यस, जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर आपका बीपीटी का अभी है कुछ दिन बाद 27th का. ओके, 27 जून का. सो पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, सो अब हम लोग शुरुआत करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है. पूरा प्रोसेसर हम लोग देखेंगे शुरू से एंड तक. आई नो बहुत बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी भी मोस्टली बच्चे ऐसे जिनका एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड नहीं हुआ है. मुझे बहुत बच्चे इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे थे, कॉमेंट में पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कब तक आएगा. सो यस, एडमिट कार्ड आ चुका है. मैं चलिए अब हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है. ठीक है, सो एडमिट कार्ड को निकालने के लिए आप लोगों के पास दो चीज़ होनी चाहिए, पहला आपका ईमेल और दूसरा आपका पासवर्ड. ठीक है, आईडी पासवर्ड आप लोगों के पास होने चाहिए जिससे आपने अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया था बीपीटी के लिए. सो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं. सबसे पहले आप लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. ठीक है, आप लोगों को ये दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे. आप लोगों को अगर अपने फ़ोन में कर रहे हो तो इसे डेस्कटॉप साइट पर कर लेना. ठीक है, डेस्कटॉप साइट पर सबसे पहले करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे. आप लोगों को यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर फॉर यूजी एंड पीजी. ठीक है, जहाँ से आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था इस पर क्लिक करेंगे आप लोग. क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा. ठीक है, उसके बाद में इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन करेंगे फिर से, और साइन इन का ऊपर कॉर्नर में आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, साइन इन पर क्लिक करेंगे आप. अब यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है. ठीक है, जिस आईडी से आप लोगों ने रजिस्टर किया था. ठीक है, आईडी पासवर्ड डालेंगे आप लोग अपना. यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैंने आईडी पासवर्ड डाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लर कर दिया है. अब आप लोगों को इसको सबमिट कर देना है. ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है. फिर आप लोगों को कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा. यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर और आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा. एडमिट कार्ड आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा. व्यू डाउनलोड, व्यू डाउनलोड पे आप लोगों को क्लिक करना है. ठीक है, और उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आ जाएगा. ये है व्यू डाउनलोड और इस पर करेंगे क्लिक. इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा. ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया. ठीक है, सो ये हमारा बीपीटी के लिए है. और आपको यहाँ पर टेस्ट का डेट दिखाई दे रहा होगा, 27 जून का आपका एग्जाम है. एग्जाम का टाइम लिखा हुआ है 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक का एग्जाम होने वाला है. ठीक है, सो जो मेरे स्टूडेंट आरिफ को थैंक यू बोलना चाहूंगी. आरिफ ने मेरी बहुत हेल्प की है इस वीडियो को बनाने के लिए, सो थैंक यू आरिफ. मैंने उनसे उनका आईडी पासवर्ड मांगा. मोस्टली आजकल के टाइम में कोई देता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लगता है हम उनका रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे. सो ऐसा नहीं होता है. मैंने यहाँ पर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ हाइड करके रखा है. आरिफ ने मुझे अपना रोल नंबर दिया, सो थैंक यू सो मच. सो जब आप लोग एडमिट कार्ड को नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ये प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं. ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देना हो, क्रैक करना एग्जाम. ठीक है, सो प्रिंट निकलवा लीजिए और दो प्रिंट निकलवाइएगा, मतलब एक प्रिंट और एक फोटोकॉपी आपके पास होनी होनी चाहिए. ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद.